Good evening to all of you. तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, दैट इज डेमोक्रेसी। गुड इवनिंग। आंसर राइटिंग सेशन में आइएगा शिखा, उसमें बताएंगे अभी, क्योंकि डेमोक्रेसी का टॉपिक कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरीज हमें कवर करनी है, दैट्स वाई काफ़ी टॉपिक्स लैगिंग है, तो आई वॉन्ट कि पहले वो कम्प्लीट हो जाए, बिकॉज डेमोक्रेसी राइट्स और फिर जस्टिस कम्प्लीट करना है, फिर इक्वालिटी का टॉपिक कवर करना है, तभी हमारा फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से शुरू हो पाएगा इंडियन नेशनल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सॉरी, ओके। गुड इवनिंग आयुष। सो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुडे विच इज डेमोक्रेसी। मैंने पावर की पीडीएफ शेयर कर दी है ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पावर की पीडीएफ। स्टार्ट कवरिंग पावर नाउ, पोस्ट मॉडर्निज्म अच्छे से मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। तो विल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टॉपिक में हमारा सिलेबस क्या है? हमारे सिलेबस में सबसे पहली चीज है कि हमको डेमोक्रेसी के टॉपिक में कुछ क्लासिकल एंड कंटेम्प्ररी थ्योरीज पढ़नी है। तो क्लासिकल में आ जाएंगी जो अभी थ्योरीज हम शुरू करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी समझेंगे, एंड फिर उसके बाद कंटेम्प्ररी में आएगी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी में। सी बी मैकफर्सन ने जो डेमोक्रेसी की थ्योरी दी है उसको समझेंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा, एक डिबेट होगा, डिबेट तक कवर करेंगे, एंड कल हम कवर करेंगे मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखेंगे। बहुत सारे नाम आएंगे इसमें, एज यू कैन सी सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी फिर कल राइट्स का टॉपिक शुरू करेंगे। सो विल बिगिन विद डेमोक्रेसी, विल स्टार्ट विद क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी। रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होगा, कल आपको पता ही है कि कल आप लोगों की छुट्टी है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा। काजल, आपको मेरे कोर्स को कैसे फॉलो करना है? फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, और पहले आपका कोशिश रहनी चाहिए कि तीन चार चार पाँच दिन लो और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर कर दो। उसके बाद दो दिन के अंदर आइडियोलॉजीज कवर करो, फिर स्टेट पे आओ, फिर पावर का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने खत्म किया है, एंड फिर उसके बाद डेमोक्रेसी पे आप आ जाओगे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम आई थिंक 10 दिन में कवर हो जाने चाहिए, जितने क्लासेस अभी किए हैं। अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, दिन में तीन चार क्लासेस कवर करेंगे तो हो जाएंगे। स्पेशली टॉपिक वाइज देखिए, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है, लेसन वाइज मत देखिएगा, क्योंकि डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासेस में से ज़्यादा मैटर नहीं करता। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आप टॉपिक जल्दी से कवर कर पाए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट चार पाँच दिन में खत्म कीजिए, उसके बाद आप आइडियोलॉजीज पे आकर के ऐसे कवर करें। क्वेश्चन दैट आई गेव इन द लास्ट क्लास, बाद में चेक करेंगे क्वेश्चन, टॉपिक कंप्लीट करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं बाद में चेक करूँगी, जब मैं कल सुबह हमारी आंसर राइटिंग की क्लास होगी वहाँ चेक कर दूँगी, वहाँ पर सफिशेंट टाइम होता है। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है काजल, बट मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट मैंने वहाँ पे बताया होगा कि फ्लो चार्ट बनाइए, तो फ्लो चार्ट्स ही बनानी है, बस नोट्स नहीं बनाने हैं। कल का टॉपिक होगा हैना एरेंट तक सभी, पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के
क्वेश्चंस आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय नाउ, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने पिछले महीने अभी 15 तक जब मैंने क्लासेस नहीं ली थी तो बहुत टाइम दिया था आप लोगों को रिवाइज करने का, तो आप लोगों को इतना टाइम था कि क्लासेस होती ही नहीं थी आप लोगों की अल्टीमेटली। तो अब कल छुट्टी है तो रिवाइज कर लेना पावर का टॉपिक सारा, एंड स्टेट का टॉपिक पढ़ाया है वो रिवाइज कर लेना, बाकी 30th को भी छुट्टी होगी तो आइडियोलॉजीज भी रिवाइज हो ही जाएगा आपका। नेक्स्ट मंथ से सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, तो मैं टाइमिंग्स चेंज करूँगी 1st of October से। मॉर्निंग में क्लास रहेगी आप लोगों की, एंड 8 to 9:30 की क्लास मैंने सोची है, मे बी 8:30 to 9 हो, विल सी क्या होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज 8:30 to 10 होगी फिर, अगर मतलब देखती हूँ मैं क्या सोचा है। तो पॉइंट इज कि सैटरडे संडे छुट्टी रहा करेगी वीकेंड में, ताकि आप फ्राइडे तक क्लास खत्म करके सैटरडे संडे रिविजन कर सकें, ठीक है। क्लास में अभी नहीं चेक करूंगी मैं, डेमोक्रेसी कवर करना है, शुरू करते हैं थ्योरीज के साथ में, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं डेमोक्रेसी की, अलग अलग डेफिनेशन दी हैं सभी ने, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको दो वेज में समझा जाता है, एक तो नैरो सेंस में लोगे आप और एक ब्रॉड सेंस में लोगे। जब भी इसको नैरो सेंस में कंसिडर किया जाता है डेमोक्रेसी को, तो हम नैरो सेंस में समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, बोलते हैं ना हम दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि इट इज डेमोक्रेटिक इन अ नैरो सेंस, कि सिर्फ एम्पेरिकल मेथड पे ध्यान दिया गया है, where people are given opportunity to participate in the governance, यानी लोगों का participation होगा good governance के लिए essential रहेगा, so essential means sine qua non, just remember that। और क्यों रहेगा, क्योंकि good governance अगर आपको अपनी country में चाहिए वो आप achieve नहीं कर सकते transparency and accountability के बिना, और transparency and accountability के लिए चाहिए होती है democracy, एक responsible citizenship। तो इसीलिए नैरो सेंस में जब भी हम कंसिडर करते हैं सो उसमें हम यही बोलते हैं, जैसे अमर्त्य सेन बोलते हैं अपनी बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में कि डेमोक्रेसी की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है और साथ ही साथ एजुकेटिव वैल्यू होती है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यस, ट्राई टू रिफ्रेश फ्रॉम योर साइड प्लीज, किसी का एक डाउट है। It's my last attempt. Okay, Kajal, आप क्या करेंगी? Let me tell you. Text me here on Telegram. We'll have a conversation. देखते हैं क्या कर सकते हैं। कब पेपर दे रही हैं आप? तो मैं पर्सनली आपसे टेक्स्ट करके पूछूंगी। ठीक है? Text me here. Telegram पे. This is my address. 2020 में. अच्छा, तो आपकी एज लिमिट हो चुकी है काजल? What's your age? अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो मतलब 2020 आखिरी होगा आपका। Yes, Sachin, I'm going to start a new batch starting from 1st of October. थोड़ा वेट कीजिए उसके लिए, ठीक है। आयुष्मान, यहाँ पे सबके सिचुएशन में सही चल रहा है, आपका शायद पीछे से ग्लिच होगा, आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है। इतनी लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? फिर पहले कौन सा था आपका ऑप्शनल? लास्ट अटेम्प्ट है और अभी शुरुआत करने, आपको तो ऑप्शनल को खत्म करके रिवाइज कर लेना चाहिए था अब तक, आपको तो जून में बिगिन करना चाहिए था। फिर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, विल वर्क ऑन इट, इस बैच के साथ साथ काम करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया जा सकता है। जिन लोगों के लास्ट अटेम्प्ट है एक बार मुझे बता देना, ठीक है, टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे, बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ,
क्योंकि मुझे लेक्चर लेना ही है, उसके बाद 1 घंटे मेरे पास टाइम मिलेगा, 1 घंटे का, फिर मेरे 9 बजे से 10 बजे तक दोबारा क्लास है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ डेमोक्रेसी, बाकी मैं आपको बता ही दूंगी। डेमोक्रेसी को देखो दो वेज में लिया जाता है, हम दो वेज में कंसिडर करते हैं। पहला होता है नैरो सेंस, दूसरा होता है ब्रॉड सेंस। नैरो सेंस का मतलब होता है कि यूजुअली जो हमारी रियलिटी में हम डेमोक्रेसी को सोचते हैं कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, और नैरो सेंस में हम समझते हैं कि लोगों को अगर पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, जैसे उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं, तो दैट इज इन नैरो सेंस इट वी कॉल इट एज डेमोक्रेसी, हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में अमर्त्य सेन ने बोला है अपनी बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में कि डेमोक्रेसी की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है, एक एजुकेटिव वैल्यू होती है। लेकिन हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को कई कबार वेस्टर्न ऑब्सेशन माना जाता है, मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी वैल्यू है जो वेस्टर्न कंट्रीज का ऑब्सेशन है, तो हम एशिया में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये एशियन सोसाइटीज के साथ में कंपैटिबल नहीं होगा, मतलब यहाँ अगर आप अप्लाई करोगे तो चल नहीं पाएगा, ये मानना है यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स का। लेकिन अमर्त्य सेन अपनी बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि आप डेमोक्रेसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडिया भी तो एशिया में आता है, और एशियन सोसाइटी में इंडिया का ट्रेडिशन देखोगे पुराने टाइम में, तो इंडिया का ट्रेडिशन डेमोक्रेटिक रहा है हमेशा से। इंडिया में कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो काफी सोच विचार करके डेलिब्रेशन के साथ में लिया जाता था, पब्लिक रीजनिंग से लिया जाता था इंडिया में। जैसे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आप देखोगे, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बुद्धिस्ट असेंबलीज हुआ करती थी, और वहां पर इक्वालिटी हुआ करती थी, इगैलिटेरियन प्रिवेल करता था, यानी इक्वालिटी होगी, समानता होगी। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, वो सेलेक्टेड होता था, मतलब उनको असेंबली इलेक्ट करके चूज करेगी, मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ होगा कि आपके पिता भी राजा थे तो आप राजा बनेंगे। तो डेमोक्रेसी हमेशा से रही है इंडिया में, इसका एग्जाम्पल देख करके अपनी बुक अमर्त्य सेन में, अमर्त्य सेन आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में ये कहते हैं कि ये चीज गलत है कि डेमोक्रेसी एशियन वैल्यूज के साथ में कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में टॉलरेशन का आइडिया भी हमेशा से रहा है। इंडियन ट्रेडिशन में बाहर से बहुत लोग आते रहे हैं, और कभी हमने उनके प्रति ऐसा वी हैव नेवर बिन नॉन कॉर्डियल विद देम, हमने हमेशा फ्रेंडली तरीके से उन लोगों को वेलकम किया है अपने देश में, एंड साथ ही साथ इंडिया में प्लूरलिज्म का ट्रेडिशन रहा है। तो ये सभी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना इंडिया डेमोक्रेटिक था, इंडिया में डेमोक्रेसी हमेशा से थी। तो नैरो सेंस में नहीं मान सकते, तो विंस्टन चर्चिल, लेकिन विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज नेपोटिज्म अ लूप होल इन डेमोक्रेसी? इट कैन बी, इट कैन बी, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कि आप जैसे नेपोटिज्म का केस लेते हैं, तो राहुल गांधी का केस लीजिए, राहुल गांधी नेपोटिज्म की वजह से आए तो, लेकिन क्या इलेक्ट हुए? नहीं हुए, क्योंकि लोगों की चॉइस नहीं थी। सो इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, इट्स अ टोटली डिबेटेबल थिंग। तो विंस्टन चर्चिल ने, इनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। एक जगह बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक जगह बोल रहे हैं लेकिन ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों बेस्ट है? जब तक हम इससे बेहतर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं निकाल देते, तब तक के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। टिल द टाइम वी डू नॉट डिस्कवर द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अंटिल देन डेमोक्रेसी विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द बेस्ट। हाँ, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से ये सजेस्ट करते हैं
और हम भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। देखो शुरुआत से देखेंगे हिस्ट्री में तो इनिशियली पावर सिर्फ एक के हाथ में थी। अगर लॉजिकली हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो सबसे पहले आएगी मोनार्की। मोनार्की का मतलब एक राजा का रूल होगा, ठीक है, राजा किंग रूल करेगा। अब एक के हाथ में है पावर, लेकिन धीरे धीरे करके आगे जाकर के एरिस्टोक्रेसी आई, तो एक से फ्यू में गई, एरिस्टोक्रेसी आएगी एंड एरिस्टोक्रेसी से फिर आई डेमोक्रेसी। क्योंकि जब हमने मोनार्की देखी तो मोनार्की मतलब एब्सोल्यूट पावर, एक ही के हाथ में एब्सोल्यूट पावर देखी तो टायरेंट भी तो हो सकता है ऐसा राजा, इसीलिए तो फिर आगे इसलिए एरिस्टोक्रेसी आई कि एक के हाथ में पावर नहीं देनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में पावर दो। अब कुछ लोगों के हाथ में पावर दोगे तो ये लोग भी ये ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में कन्वर्ट होगा, मतलब ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपने ही फेवर में सारा काम करेंगे, दूसरों के फेवर में नहीं करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा, अपना वेलफेयर इसमें सोचा जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, एक चार लोगों के हाथ में भी पावर नहीं देनी चाहिए, मैनी के हाथ में पावर आनी चाहिए, दैट मीन्स मासेस के पास में पावर आनी चाहिए, तब डेमोक्रेसी आएगी। तो यानी डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। पहले क्या है, इक्वालिटी नहीं थी, सारी पावर एक के हाथ में थी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके ये पावर ट्रांसफर होगी, कुछ लोगों के हाथ में आएगी, तो यानी अब थोड़ी इक्वालिटी बढ़ी और जैसे ही डेमोक्रेसी आई अब और ज्यादा बढ़ गई। सो ये बोला जाता है डेमोक्रेसी के बारे में। पीयूष, Is this your first class? इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो let's see। हाँ, पहली क्लास है तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपको सबसे पहले पुराने जो मेरे लेक्चर्स हैं वो जा करके पढ़िए। डेमोक्रेसी की अभी हम थ्योरीज कवर कर रहे हैं, हमने बहुत चीजें कवर की हैं, जिसका आप धीरे धीरे करके जब लेवल बढ़ता है ना तो हम थ्योरीज पे आ जाते हैं सीधा, तो वहाँ पे स्टोरी शुरू होंगी, थिंकर शुरू होंगे, धीरे धीरे बेस बनेगा, बेस बन के आगे फिर टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है, इसीलिए शायद समझ भी ना आए, हालांकि आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट क्लास से शुरू कीजिए, फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो लेट मी नो। तो आपको फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करना होगा, आप बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी स्टार्ट किया ना आपने प्रिपरेशन, कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर से जाकर के प्लीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और डिस्कशन फॉरम में एक टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, प्लीज उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्टी आती है तो टेक्स्ट में। बाकी सबको समझ में आया जो समझाया? स्विंक नॉन का मतलब क्या होता है? असेंशियल है ये, डेमोक्रेसी असेंशियल है गुड गवर्नेंस के लिए। अगर आपको अपनी कंट्री में गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया बनाना है कि एकदम स्विफ्टली काम हो, तो उसके लिए आपको अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करनी होगी, यानी लोगों को पार्टिसिपेट करवाना होगा, क्योंकि जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो गवर्नेंस अच्छा होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा तो हमारी जो कंट्री है उसमें और ग्रोथ होगी, करप्शन कम होगी, तो नैरो सेंस में ऐसे माना जाता है दैट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि एशिया की जो सोसाइटीज हैं, जैसे इंडिया एशिया में आता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी कंपैटिबल नहीं है, कि यहाँ पर अगर आप डेमोक्रेसी अप्लाई करोगे तो काम नहीं करेगी। आगे डिबेट पढ़ेंगे हम, एक ली क्वान यू की डिबेट आएगी अमर्त्या सेन के साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, कि अभी बाद में ही बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा अमर्त्या सेन ने अपनी बुक में बोला कि नहीं, डेमोक्रेसी की यू नो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, एजुकेटिव वैल्यू है। अब ये वैल्यूज कौन कौन सी कैसे कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, तो अभी सिर्फ बिगिन हुआ है टॉपिक। तो ये होता है नैरो सेंस में।
नैरो सेंस में हम सोचते हैं कि अगर लोगों के पास में वोटिंग राइट्स आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी आ गई कंट्री में। लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी को देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बिना इसके लोग रह ही नहीं सकते। वहां पर डेमोक्रेसी बहुत एसेंशियल है, वहां का वैल्यू सिस्टम में डेमोक्रेसी बहुत कॉमन है, इट्स अ टाइप ऑफ सोसाइटी फॉर देम। बिकॉज बिलीव किया जाता है कि विदाउट डेमोक्रेसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, कैओस होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिना डेमोक्रेटिक सोसाइटी के मिथ है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रॉडर सेंस में अंबेडकर को इस पे शक था। हाँ, इन कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई तो इंडिया का फ्यूचर बढ़िया होगा, उनको इस पे शक था। क्योंकि इनका मानना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ टॉप सॉइल है इंडिया की। अपनी बुक में, अंबेडकर की एक बुक है, दो तीन बुक लिखी है अंबेडकर ने हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरी बुक है ग्रामर ऑफ एनार्की। ये स्पीच है इनकी, ग्रामर ऑफ एनार्की, ये याद रखेंगे। ग्रामर ऑफ एनार्की में अंबेडकर ने ये मेंशन किया है कि आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ में इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वीडियो नहीं आ रही है, प्लीज रिफ्रेश इट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक मिनट रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी ठीक है। तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने अभी तक? ब्रॉड सेंस बता दिया था मैंने, वे ऑफ लाइफ है वेस्टर्न कंट्रीज वालों के लिए, बिना इसके, बिना डेमोक्रेटिक सोसाइटी के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक मिथ है। यानी अगर एक ऐसी सोसाइटी जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स में अगर डेमोक्रेसी आप डालोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी ऐसी पॉलिटिक्स में। क्योंकि डेमोक्रेसी वही होती है जहां पे एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल को याद करो। तो उसी पर्सपेक्टिव से अंबेडकर लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर के काफी डाउटफुल थे कि अगर डेमोक्रेसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो शायद ये काम ना करे। क्योंकि अंबेडकर का कहना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ टॉप सॉयल है, इट इज द टॉप सॉयल ऑफ इंडिया, ऊपरी परत है बस ये, ठीक है। ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच, ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच में अंबेडकर ने ये मेंशन किया था कि आज के टाइम पे हम बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस, लाइफ की इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें एंटर कर रहे हैं, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी ना तो सोशल डेमोक्रेसी है ना ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। मतलब ना तो इंडिया में सोशल इक्वालिटी है ना इकोनॉमिक इक्वालिटी है। और ऐसे में आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, ऐसे में आप वन मैन वन वोट अगर देते हैं तो क्या ये किस हद तक सही रहेगा? एक ऐसी कंट्री में आपको डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जहां डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ हो, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू डेमोक्रेसी की रहेगी ह्यूमन डिग्निटी की। डेमोक्रेसी में ह्यूमन डिग्निटी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ सोसाइटी जहां पर आप इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। मतलब हर एक के अपनी चॉइसेस हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो कि उनको अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं वो ले सकते हैं। ह्यूमन डिग्निटी को उनके रिस्पेक्ट करते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है डेमोक्रेसी में, टॉलरेशन जैसी वैल्यू होती है, प्लूरलिज्म होता है डेमोक्रेसी में। तो आज के टाइम पे जो हमें चीज देखने को मिलती है, यही वैल्यूज प्रेवलेंट है। सो द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए इसकी वजह से आज के टाइम पे काफी कंफ्यूजन भी है। लेकिन
किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है. सो इस वजह से हम बोलते हैं दिस इज द एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन. डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन भी है. तो ये कहना था अंबेडकर का. एंड अंबेडकर ने अपने यू नो ग्रामर ऑफ एनार्की स्पीच में ये बोला कि इतनी कॉन्ट्राडिक्शन हैं इंडिया में, ये पता नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडिया में ना तो सोशल इक्वालिटी है ना ही इंडिया में इकोनॉमिक इक्वालिटी है. अब इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर आप ऐड करते हो तो दिस विल नॉट वर्क इन इंडिया. तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आएगी ही, जो आज हमको देखने को मिल रही है. पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ गई लेकिन लोग अभी भी अपनी कास्ट को ही वोट करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कोई कुछ नहीं करता है. हालांकि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट मैटर करती है. एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट में हमने देखा था डेमियन बेल एंड एसएम लिप्सेट यही बोलते हैं. तो वही वो सभी आइडियाज अब साथ में लेकर के आने, जितने आइडियाज हमने पढ़े हैं इधर उधर से आपस में सबको कनेक्ट करेंगे एंड एक डायनेमिक आंसर बनाएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो. खैर, तो इतना समझ में आया ब्रॉडर सेंस और नैरो सेंस में? एनी डाउट? अब आगे चलते हैं, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं. तो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी किससे कनेक्टेड है? इफ यू रिमेम्बर हमने फेमिनिज्म की वेव्स देखी थी कि एक सोशल फेमिनिज्म था, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड पोस्ट फेमिनिज्म. ऐसे ही वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी भी है. तीन वेव्स में डेमोक्रेसी आई है, मतलब धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी का ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ है. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है मैक्सिमम कंट्रीज में. अब इसमें एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन आपको पता है कौन कौन सी एक्सेप्शन है? एक तो अरब एक्सेप्शनलिज्म है, दूसरा क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, ये भी एक एक्सेप्शन है. तो शुरुआत करते हैं वेव से. सैमुअल पी हंटिंगटन ने थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात की. उन्होंने बोला कि तीन वेव्स आई जिसके चलते डेमोक्रेसी का ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ. पहली वेव थी जिसमें जो मैच्योर डेमोक्रेसीज आज के टाइम पे हमने देखने को मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर डेमोक्रेसी आई, जैसे ब्रिटेन में एंड यूएसए में, ये मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं. ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन सी है? यूएसए. इट्स यूएसए. ब्रिटेन तो बहुत टाइम से मोनार्की थी, ठीक है, बहुत टाइम तक. तो यूएसए इज द ओल्डेस्ट बोला जाता है एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को बोला जाता है. तो कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जब भी यूएस के कोई प्रेसिडेंट आते हैं ये चीज हाईलाइट की जाती है कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज कमिंग टूगेदर, ऐसी एक हाईलाइट रहती है. तो ये याद रखिए, इट इज यूएसए. द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई ब्रिटेन एंड यूएसए जैसी मैच्योर डेमोक्रेसीज. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले एक वेव आती है जब कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो जाती हैं, फिर आती है एक रिवर्स वेव जब वापस से वो कंट्रीज डेमोक्रेसी छोड़ करके टोटलिटेरियनिज्म की जगह पे उस पर चली जाएंगी, ठीक है. जैसे कि पहली वेव जब आई थी जब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन गई, तो आगे देखेंगे हम रिवर्स वेव आएगी आगे. तो ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड, इंटरवॉर पीरियड यानी फ्रॉम 1919 to 1939, इस पूरे टाइम पीरियड तक इसके बीच में कुछ कंट्रीज थी जहां पर डेमोक्रेसी कोलैप्स होकर के वहां पर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आई. तो जर्मनी, इटली, ये हमको देखने को मिलेगा. यहाँ पर मुसोलिनी आए इटली में, जर्मनी में हिटलर आए, टोटलिटेरियन फासिस्ट गवर्नमेंट्स आएंगी. तो फासिस्ट गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिक नहीं होती. हमने फासिज्म में पढ़ा था कि मुसोलिनी ने खुद ही यही बोला था कि डेमोक्रेसी इज द लग्जरी ऑफ रिच नेशंस, याद है, आइडियोलॉजीज में ये चीज पड़ी थी फासिज्म में. तो ये लोग तो डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ हैं. अब आगे आती है सेकेंड वेव. अब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ तो उसके बाद दोबारा से जो काफी वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी स्पेशली, यहाँ पर आएगी डेमोक्रेसी. क्योंकि जर्मनी में दोबारा से डेमोक्रेटिक हो गया, जर्मनी, इटली दोबारा से डेमोक्रेटिक हो गया.
वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने के बाद दोबारा से आई डेमोक्रेसी। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि 1945 के बारे के पास की बात है, तो 1947 में इंडिया में भी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है सेकेंड वेव में। अब जैसे हर एक वेव आती है उसके बाद आती है एक रिवर्स वेव, तो अब रिवर्स वेव भी आई। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पाकिस्तान, म्यांमार, इन सभी में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई काफी कंट्रीज में, लेकिन ये कोलैप्स हो गई। श्रीलंका जैसी कंट्री में भी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन रिवर्स वेव आया जिसमें इंडिया को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ नहीं था। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया में ट्रेडिशन था, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था। इंडिया में यू नो डेलिब्रेशंस बहुत होती थी, इंडिया में कल्चर ऐसा था, टॉलरेशन की वैल्यूज थी, प्लूरलिज्म था, डाइवर्सिटी थी, इसलिए हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल रही डेमोक्रेसी, लेकिन बाकी कंट्रीज में सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, वहाँ कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभार इंडिया को आप यू नो कुछ आर्टिकल्स में लिखा होता है दैट इंडिया इज एन आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज कॉन्टिनेंट है डेमोक्रेसी का, यूएसए, कैनेडा एज वेल एज ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो आइलैंड है डेमोक्रेसी का, इंडिया उस सॉरी कॉन्टिनेंट है, इंडिया उसमें आइलैंड है, क्योंकि इंडिया सक्सेसफुल है, इंडिया में डेमोक्रेसी बाकी सब जगह पे सक्सेसफुल नहीं रही। तो वेव आई, उसके बाद रिवर्स वेव आई, अब आती है थर्ड वेव। थर्ड वेव कब आई, 1990s में जब यूएसएसआर कोलैप्स होगा, तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के अंडर में आती थी, उनके साथ में कन्फेडरेशन बनाया हुआ था, वो टूट जाएगा। एक लूज फेडरेशन टाइप का होता है कन्फेडरेशन, वो टूट जाएगा। तो जब यूएसएसआर यानी कम्युनिज्म का कोलैप्स होगा, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी आएगी। अब ये चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जब वर्ल्ड डिवाइड हुआ था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जब पावर ब्लॉक हुआ था, टू पावर ब्लॉक्स थे, ऐसे पावर डिवाइडेड हुई थी, आपस में कम्पीट कर रहे थे डिफरेंट आइडियोलॉजीज, तो वेस्टर्न यूरोप यूएसए के साथ में था एंड ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के साथ में था। और इसकी डिविजन कहाँ से थी, जर्मनी से। जर्मनी में वेस्ट जर्मनी यूएसए के साथ में था, ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के साथ में था, बीच में थी जर्मनी की बर्लिन वॉल। लेकिन आगे हम देखेंगे कि बर्लिन वॉल 1989 के पास में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, बिकॉज यूएसएसआर की इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही थी, जो अफगानिस्तान में उन्होंने किया उसके चलते भी काफी बर्डन पड़ा यूएसएसआर पे, जिसके चलते यूएसएसआर में कम्युनिज्म भी कोलैप्स हो जाएगा एंड फाइनली यहाँ पर भी यू नो कैपिटलिज्म एम्ब्रेस किया जाएगा, डेमोक्रेसी एम्ब्रेस की जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो थर्ड वेव आती है, लेकिन थर्ड वेव के बाद में रिवर्स वेव नहीं आई। फर्स्ट वेव के बाद रिवर्स वेव आई, सेकेंड के बाद भी रिवर्स आई, लेकिन थर्ड के बाद रिवर्स वेव नहीं आई। लेकिन ये तो हुई थर्ड वेव तक की बात, अब फोर्थ वेव रिसेंटली आ सकती थी, हो सकती थी ये फोर्थ वेव, हम इसको फोर्थ वेव बोल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2010 में जो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन, जैस्मिन रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था, वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। अरब स्प्रिंग यूएसए के ऐसे जो सुपर पावर्स होते हैं उनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते अरब समर में कन्वर्ट हो गया, अरब स्प्रिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू अरब समर। तो यानी डेमोक्रेसी आधी कंट्रीज में आई, आधी कंट्रीज में अभी भी फाइट चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, टर्मोइल चल रहा है, मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है। तो ये है पूरा डेमोक्रेसी का। लेकिन क्वेश्चन ये समझ में आया, थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, एनी डाउट? ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेमोक्रेसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, इंडिया एक एक्सेप्शन था, क्या ऐसे रीजंस थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी ने सरवाइव किया? तो वो रीजंस अब कवर करेंगे कि बाकी सब जगह पे तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गई, लेकिन यहां पर कोलैप्स क्यों नहीं हुई।
ओके, अरब स्प्रिंग आप चाहते हैं दोबारा से बताऊं? कोई इशू नहीं है। देखिए 2010 की बात है, 2010 दिसंबर में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो अरब स्प्रिंग कहाँ आया? अरब स्प्रिंग आया है वाना रीजन में। वाना रीजन इज द वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। और इससे पहले हम देखेंगे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते देखो, पहले ही जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, जो यहाँ पर इस रीजन में जो कंट्रीज थी, वो सभी कंट्रीज डिक्टेटरशिप थी वहाँ पर, या तो ऑटोक्रेटिक रूल था या थियोक्रेटिक रूल था, इस टाइप से था, ठीक है। एंड होगा क्या यहाँ पर कि ऑलरेडी लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा स्पेस नहीं थी अपने खुद के डिसीजंस लेने की, लोगों को राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, अब यहाँ पर समस्या और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर अब आएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था यहाँ पर। तो यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि जॉब्स नहीं थी उनके पास में, और डिक्टेटरशिप थी, लोगों के पास राइट्स नहीं थे। तो ये सारी शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से, वाना रीजन में पूरा हुआ। तो ट्यूनीशिया से शुरुआत होती है, जब एज अ प्रोटेस्ट एक यूथ ने अपने आप को, ही सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, ठीक है, प्रोटेस्ट के चलते। अब जब ये हुआ तो लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आया, लोग बहुत भड़क गए, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया वहाँ की, डिक्टेटरशिप थी ऑब्वियसली, तो कुछ करेंगे भी नहीं। तो लोगों ने फिर रिवोल्ट किया यहाँ पर। जब लोगों ने रिवोल्ट किया तो डिक्टेटर को हटा करके लोगों ने फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी। एक बार ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ तो आगे इजिप्ट में भी यही होगा, सभी जगह में धीरे धीरे करके पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैल गया, फिर वेस्ट एशिया में भी फैल गई ये सेम चीज़, लिबिया और सभी जगह पे जाएगा, इजिप्ट, लिबिया, यमन में होगा सेम चीज़, सीरिया में भी होगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात थी वो थी सीरिया में, क्योंकि सीरिया का जो रूलर थे उन्होंने अपनी गिव अप नहीं की, क्योंकि उनको सपोर्ट था रशिया से, और वो क्यों चाहेंगे कि हम अपना अपनी पावर लोगों को दें। वहाँ से सिविल वॉर की शुरुआत होती है, और यूएसए ने कुछ उसमें किया नहीं। यूएसए चाहता तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था, लेकिन यूएसए के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि यूएसए को ये चीज़ पता थी कि अगर यूएसए यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, यूएसए तो ऑब्वियसली चाहता है कि कोई भी एक रीजनल पावर यहाँ से उभर के ना आए, वरना यूएसए का यहाँ पर से कंट्रोल जो होगा वो चला जाएगा, ऑयल के चलते, इन सब चीज़ों के चलते, एग्जैक्टली। तो ये यूएसए के इंटरेस्ट, इनके जो ग्लोबल पावर्स थे, इनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते अरब स्प्रिंग विल टर्न इनटू अरब समर, जो कि अभी तक भी चल रहा है। तो स्प्रिंग अरब एरियाज में बहुत ही छोटा पीरियड होता है, सोचा था कि बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी, ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुए, डेमोक्रेसी आई, एंड विल सी दैट। लेकिन ये जो छोटा पीरियड सोचा गया था कि अब डेमोक्रेसी आ जाएगी, फोर्थ वेव आ जाएगी, ये अरब समर में कन्वर्ट हो गई सीरियन क्राइसिस और इन सब के चलते, ठीक है। दिस वाज अबाउट अरब स्प्रिंग। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि डेमोक्रेसी इंडिया को छोड़कर के बाकी सब कोलैप्स हो गई थी, तो जब सब जगह कोलैप्स हो गई थी तो डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे सर्वाइव की? तो एक एक करके रीजन समझते हैं कि इंडिया में क्यों सर्वाइव की। सबसे पहले यहाँ के एलीट्स, आप देखोगे एलीट क्लास जो लीडरशिप थी, इनकी प्रेफरेंस ये थी, दिस इज नॉट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ये प्रेफरेंस वर्ड यूज होगा इससे ज्यादा, प्रेफरेंस ऑफ एलीट्स। मतलब अगर आप खुद सोचिए, आज भी जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर हमारे पॉलिटिशियंस की ये विल, पॉलिटिकल विल आ जाए कि हमको इंडिया को इस पोजीशन पे लेकर के जाना है कैसे भी, तो क्या चेंज नहीं आएगा हमारी सोसाइटी में? आएगा। लेकिन इंडिया में चेंज ना आने का रीजन है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। उस टाइम पे देखोगे 1947 में
तो इंडिया में इसीलिए डेमोक्रेसी ने सरवाइव किया क्योंकि एलिट्स की ये प्रेफरेंस थी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बाकी सभी कंट्रीज के जैसे इंडियन लीडर्स को देखो, अगर जैसे पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू के पास में भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अथॉरिटेरियन बन जाए जैसे दूसरी कंट्रीज बन गई थी, लेकिन क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे तो इसीलिए इंडिया को वो चाहते थे कि इंडिया डेमोक्रेटिक रहे। सो इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एलिट्स, प्रेफरेंस ऑफ एलिट्स, सॉरी। नेक्स्ट रीजन है इसके अलावा कि क्यों डेमोक्रेसी रही इंडिया में, लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। हमारे फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे ऐसा नहीं था कि इट वाज जस्ट अ मूवमेंट फॉर द लिबरेशन फ्रॉम द फॉरेन रूल। हम जो लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, सिर्फ इस वजह से नहीं लड़ रहे थे कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री से निकल जाए। हमारी जो लड़ाई थी वो एक इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल राइट मूवमेंट, जहाँ पर लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे। सिविल राइट्स मूवमेंट थी, कॉन्शियसनेस थी लोगों के अंदर में अपने राइट्स को लेकर के, इसीलिए भी डेमोक्रेसी सरवाइव की है क्योंकि लोग चाहते थे कि मतलब उनके राइट्स और डेमोक्रेसी रहे इंडिया में। इसके साथ साथ दूसरा रीजन था लेगेसी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किए जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चलते ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश की गई तो इनको चांस दिया गया था कि ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो मीटिंग्स होती थी उनको अटेंड कर सकते थे। हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ लाया गया, तो उसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आज भी सर्वाइव कर रही है। अंडरस्टूड? आपको आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आई। अब अगला पॉइंट समझते हैं, इंडियन ट्रेडिशन। जैसे कि हमारे अमर्त्य सेन ने बोला था कि इंडियन ट्रेडिशन में डेमोक्रेसी हमेशा से थी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी हमको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। अब अगला रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे ध्यान दोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसमें हम देखेंगे देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसी वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। जुडिशरी भी हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस लाए गए हैं। प्रेफरेंस ऑफ एलिट्स विल रिजल्ट इन अथॉरिटेरियनिज्म, देन हाउ डेमोक्रेसी सर्वाइव। यू आर राइट अबाउट इट आयुष्मान, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। प्रेफरेंस ऑफ एलिट्स विल डेफिनेटली लाइक एनी अदर कंट्री विल रिजल्ट इन टू अथॉरिटेरियनिज्म, बट इट डिड नॉट कन्वर्ट इन टू अथॉरिटेरियनिज्म बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल विल, बिकॉज नेहरू वॉन्टेड, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेमोक्रेसी बिकॉज ही वॉन्टेड दैट डेमोक्रेसी शुड स्टे इन इंडिया, इट शुड रिमेन इन इंडिया। दैट्स द रीजन, इट वॉज द प्रेफरेंस ऑफ द, अंडरस्टूड? ओके, उसके अलावा हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, ऐसी वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं। फिर एक और रीजन है कि हमारी कंट्री का साइज देखोगे, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर हैं, तो डेमोक्रेसी ही असेंशियल थी। कोई और सिस्टम वर्क नहीं कर सकता था हमारी कंट्री के लिए। जैसे चाइना के केस में लोगे, चाइना में अगर डेमोक्रेसी यूज की जाती तो डिफिकल्टी होती, क्योंकि चाइना में तो देखो डाइवर्स कल्चर नहीं है, होमोजेनिटी है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ चल भी नहीं सकता था। चाइना में बिना डेमोक्रेसी के काम चल गया क्योंकि होमोजेनिटी है, दैट्स व्हाई। हमारी कंट्री में हेटरोजेनिटी है कल्चर को लेकर के। चाइना इज कल्चरली होमोजीनियस, एक ही प्रकार का कल्चर है उनका। इंडिया में तो अलग अलग कल्चर, कास्ट में, सब कास्ट में भी अपने अपने कल्चर,
यहाँ पर ऐसा होता है, ये भी रीजन है कि डेमोक्रेसी सर्वाइव की। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि इंडिया में भी ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में सेपरेशन है। जैसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी देखोगे तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई, 1947 में पाकिस्तान ने भी अपने कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन वहाँ क्यों फेल हुई, एक तो मिलिट्री फैक्टर की वजह से और यूएसए की वजह से भी फेल हुई। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है पाकिस्तान में, 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने आप को यूएसए के साथ में हमेशा से एसोसिएट रखा है। लेकिन इंडिया के केस में देखोगे तो इंडिया ने नाम फॉलो किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। पाकिस्तान के जो अपने खुद के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है, यू नो द ओन पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो पाकिस्तान इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री, इट इज एन एनफोर्स्ड नेशन, ऐसा बोला जाता है पाकिस्तान के बारे में। इकोनॉमी इतनी डाउन है, कोई कोई मतलब वो ही नहीं आ रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे देश में तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा, चाहे फिर वो इंडिया ही हो। अगर इंडिया में भी डेवलपमेंट नहीं होती है, लोगों के साथ में लोगों को इतना फ्रस्ट्रेशन होगा तो लोग भी तो मास एग्जॉडस हो सकता है। तो बाकी कंट्रीज में भी तो सेम चीज़ हो रही है। डेमोक्रेसी इसलिए फेल करती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं उसमें, लैक ऑफ विल टू पावर, नहीं 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 लैक ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर डेवलपमेंट, मतलब वो जो उन लोगों को जो एक्शन लेने हैं, पाकिस्तान में भी बहुत करप्शन है, इनकी इकोनॉमी के लिए जो इनको एक्शन लेने चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, पैसे शुरू से नहीं थे पाकिस्तान के पास में। जब आपको पता, पाकिस्तान को लेकर के नेहरू हमेशा यही सोचते थे, कभी नेहरू ने पाकिस्तान को इंडिया का एनिमी नहीं माना। उसका क्या रीज़न था, क्यों इंडिया का एनिमी नहीं माना, क्योंकि नेहरू का ये मानना था पाकिस्तान के पास में ना तो पैसा है, तो पाकिस्तान यू नो घूम फिर के इंडिया के पास ही आएगा और इंडिया के साथ में ही रहेगा अच्छे रिलेशंस बना करके। ये भी रीज़न था कि नेहरू बहुत यू नो कंसेशन उन्होंने दिया था जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान के साथ में। इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन की गई थी पाकिस्तान के साथ में तो 80% पानी पाकिस्तान को इस वजह से भी दिया गया था, तो ही वाज एन आइडियलिस्ट, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन, सीधी सीधी सेपरेशन है, सिविलियन गवर्नमेंट अपना काम करेगी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। तो इस पूरी सिचुएशन में फरीद जाकरिया का क्या कहना है कि ऐसी कंट्रीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के, जहाँ पर पहले रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया गया हो। रूल ऑफ लॉ जिस कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने इंट्रोड्यूस किए कि सभी को वोटिंग राइट्स दिए, ऐसी कंट्री में फिर भी सक्सेसफुल होती है डेमोक्रेसी, और इंडिया में यही था। तो फरीद जाकरिया मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शुड प्रिसीड डेमोक्रेसी, मतलब आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ ये सब चीजें ये पहले आनी चाहिए, उसके बाद में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि अब कुछ कंट्रीज में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, डेमोक्रेसी पहले डाल दी, तो यहाँ पे फिर सक्सेस होना भी थोड़ा कम रहता है। फरीद जाकरिया एक्चुअली में इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट है, एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल स्कॉलर है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर आपने डेमोक्रेसी पहले डाल दी, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाया, तो वहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ये कहना है इनका। जैसे कि ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में पहले रूल ऑफ लॉ आया, एक बार रूल ऑफ लॉ लोगों ने एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश के पॉलिटिकल कल्चर में लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो धीरे धीरे करके फिर इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटेन में डेमोक्रेसी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी इसलिए कोलैप्स हुई, क्या रीज़न था कोलैप्स होने का, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं था। अगर आपकी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक कल्चर ही नहीं है तो आप डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे,
वो टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा या क्योस हो जाएगा, पूरा डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं क्रिस्टोफर जेफरलॉट, ये हमारे उसमें बहुत लिखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, काफ़ी अच्छी कमेंट्री लिखते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इनके एडिटोरियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, इंडियन डेमोक्रेसी रिमेन्स प्रोसीजरल। इनका कहना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो प्रोसीजरल है, मतलब सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान देती है। इंडिया में पीपल आर नॉट अंडर द रूल ऑफ लॉ, दे आर अंडर द रूल ऑफ मनी। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, या तो शराब की बोतल दे करके वोट ले लेते हैं गरीबों से, या फिर 5-5 हज़ार रुपये दे करके वोट ले लिया जाता है। 5 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 500-500 रुपये के लिए भी लोग वोट डाल के आते हैं कि 500 रुपये दीजिए, हम आपके पार्टी के लिए वोट डाल के आएंगे। तो इंडिया इज नॉट अंडर द रूल ऑफ लॉ, इंडिया इज अंडर द रूल ऑफ मनी। यहाँ पर मसल पावर और मनी आज भी प्रेवलेंट है। तो ही इज ट्राइंग टू पॉइंट टूवर्ड्स कि आज भी इंडियन इलेक्शंस में मसल पावर और मनी का यूज होता है। इससे यही पता चलता है कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, वो बहुत दूर है परफेक्शन से। अभी भी हमको बहुत दूरी तय करनी है जब इंडिया फाइनली में एक सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होगी। इंडिया में सब्सटैंटिव मतलब फाइनली जब लोगों को एम्पावरमेंट होगी, जब लोग बिना पैसे के, बिना इन चीजों के, अपने मुद्दों पे, जो उनके बेसिकली मुद्दे हैं, उस पे काम करेंगे और तब वोट करेंगे। आज तो वैसे भी कास्ट को वोट करते हैं लोग। सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया इज इवन लैगिंग बिहाइंड द साउथ एशियन नेबर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट में तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी पीछे है। Which country is close to perfect democracy? US is not perfect democracy. UK is not. Norway, Sweden, Switzerland. I think ये ज़्यादा बेहतर है। UK हो सकता है, ले सकते हैं, लेकिन perfect to democracy human development index और इन सब से देखा जाता है, substantive democracy। तो मुझे लगता है कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये जो कंट्रीज हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, ये टॉप करती हैं उसमें, ये कंट्रीज परफेक्ट डेमोक्रेसी बोली जा सकती हैं, नॉर्डिक कंट्रीज। क्लियर? अब आते हैं थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी पे। वेव्स खत्म हो चुकी हैं इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों एग्जिस्ट की। एक तो हमने व्यू देखा फरीद जाकरिया का, हमने बहुत सारे रीजंस देखे, फिर हमने क्रिस्टोफर जेफरलॉट के बारे में देखा जो ये हाईलाइट करते हैं कि इंडिया में भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी तो हुई ना शुभम। डेमोक्रेसी चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे डायरेक्ट हो, डजंट मैटर, डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसीलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड के पॉपुलेशन भी कम है, तो वहां पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे 130 करोड़ लोग, अगर सोचिए कल को एक लॉ बनाना हो तो 130 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे, कितना कैओस होगा, कितना ज्यादा कैओस होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल फोन से, या तो फेक अकाउंट बन जाएंगे, ऐसे तो फेक अकाउंट बना बना करके उस लॉ को बनाया जाएगा या जो भी होगा। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, जो प्रोफेशनल्स हैं आज के मॉडर्नाइजेशन के चलते, मॉडर्न लाइफ के चलते, लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, हम सभी पैसिव सिटीजन हैं, वी आर नॉट एक्टिव सिटीजन। तो हम तो इंजीनियर अपने काम में होता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में बिजी होता है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता है स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सिचुएशन में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सही रहेगी, ठीक है। अंडरस्टूड? भूटान इज नाउ ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, भूटान इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, ये याद रखिए। हाँ,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट इवन हैंडल नॉर्मल इलेक्शंस, तो ये तो भूल ही जाओ हर एक चीज के लिए। तो अब बारी आती है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी की, कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो एक थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है, वही थ्योरी हमको पढ़नी है। थ्योरी है सीबी मैकफर्सन की, लेकिन सीबी मैकफर्सन कौन है? सीबी मैकफर्सन सोशल लिबरल है। सोशल लिबरल वो लोग होते हैं जिनको इक्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, लिबर्टी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो लिबरल इगैलिटेरियन है सीबी मैकफर्सन। अब सीबी मैकफर्सन बीइंग अ लिबरल इगैलिटेरियन, इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स डेमोक्रेसी के एनालाइज किए और उसके बाद अपना खुद का मॉडल दिया। एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि जो यूएसए में डेमोक्रेसी है वो किस हद तक कामयाब है, ठीक भी है कि नहीं, क्या लोगों के पास में पावर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सीबी मैकफर्सन देखेंगे कि डेमोक्रेसी की कौन कौन सी थ्योरीज अवेलेबल हैं, उनको कैटेगराइज करेंगे। तो दो थ्योरीज रहेंगी, पहला होगा सीबी मैकफर्सन क्लासिकल थ्योरी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद कंटेम्प्रेरी थ्योरी को एनालाइज करेंगे। तो क्लासिकल देखते हैं सबसे पहले, क्लासिकल थ्योरी। सीबी मैकफर्सन के बारे में पता चला, सीबी मैकफर्सन कौन है? अगर इनको क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी का तो सबसे पहले सीबी मैकफर्सन के बारे में लिखेंगे, दैट ही इज अ लिबरल इगैलिटेरियन ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल लिबरल। He has analyzed various models of democracy and then gave his own model of democracy. इन्होंने पहले तो सारे जितने भी मॉडल्स थे डेमोक्रेसी के उसको एनालाइज किया, थ्योरीज को, उसके बाद अपनी खुद की थ्योरी दी, अपना खुद का मॉडल दिया। दो थ्योरीज हैं, सीबी मैकफर्सन ने इन दोनों थ्योरीज को एनालाइज किया। पहला है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में दो चीजें आती हैं, विच इज प्रोटेक्टिव मॉडल और दूसरा है डेवलपमेंटल मॉडल। फिर आती है कंटेम्प्रेरी थ्योरी, विच इज एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल का मॉडल का मतलब है नॉर्मेटिव थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी इज अ नॉर्मेटिव, मतलब मैंने आपको आज ही बताया था एम्पेरिकल अप्रोच एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। व्हाट आर दीज मॉडल्स? क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स। राघव, क्लासिकल का मतलब होता है नॉर्मेटिव मॉडल, नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव का मतलब मैंने बताया था, नॉर्मेटिव का मतलब होता है लोगों की एम्पावरमेंट होगी, लोगों के पास में लोगों का सशक्तिकरण होगा, ठीक है, उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, दैट इज नॉर्मेटिव मॉडल। कंटेम्प्रेरी मॉडल प्रोसीजरल होता है, प्रोसीजरल भी बोलते हैं इसको या एम्पेरिकल बोलते हैं। एम्पेरिकल मतलब सिर्फ प्रोसीजर में, प्रोसीजर के नाम पे डेमोक्रेसी है, असलियत में डेमोक्रेसी नहीं है, असलियत में पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में है, ठीक है। लाइक स्टडिंग लाइव क्लास स्टडीज और दे क्रिएट या काइंड ऑफ दैट लाइव क्लासेस या ऑनलाइन में, और दिस इज एम्पावरमेंट व्हेन यू आर एबल टू परचेज जो भी कोचिंग मटेरियल आपका रहता है ऑनलाइन। आप लोग डेली जाकर के मान लीजिए जाते हैं तो प्रोसीजर सब फॉलो करते हैं, क्लास में बैठो पढ़ लो, दैट इज काइंड ऑफ दैट बहुत हैवी फीस के साथ में, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोसीजर कि आओ आपको पढ़ने का मन है तो पढ़िए, काइंड ऑफ अ थिंग। एंड दिस इज अब क्या ही है कि केस स्टडीज जो भी चीज है, बट पॉइंट इज देर इज एम्पावरमेंट एंड देर इज प्रोसीजर। एम्पावरमेंट इज जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को लेते हैं, ठीक है, लोगों को लिटरली पावर दी गई कि आप पार्टिसिपेट कीजिए अपने लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के काम में, तो दैट इज एम्पावरमेंट। फिर होती है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल होती है कि सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो बस वोटिंग इलेक्शंस, जब वोटिंग होती है इलेक्शंस में, आपको बस पार्टिसिपेट करके अपने जो भी सेलेक्ट करनी है, आपको जो पावर में आएंगे उनको सेलेक्ट कीजिए एंड योर वर्क इज डन। तो दो टाइप की थ्योरीज थी डेमोक्रेसी की। कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के पास में एम्पावरमेंट, मतलब पावर आनी चाहिए, लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम होना चाहिए, दैट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट होना चाहिए मासेस का। तो ये डेमोक्रेसी की वैल्यूज पे एम्फसाइज करते हैं, जैसे जॉन लॉक, बेंथम, ये प्रोटेक्टिव मॉडल से बिलोंग करते हैं। डेवलपमेंटल मॉडल में आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो प्रोटेक्टिव मॉडल को याद करो, जॉन लॉक और बेंथम ने प्रोटेक्टिव मॉडल प्रपोज किया था
क्योंकि जब भी वो डेमोक्रेसी की तरफ देखते थे, डेमोक्रेसी इज द मीन्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के पास में पावर थी है ना, स्टेट के पास में पावर नहीं थी, स्टेट के पास में डेलीगेटेड पावर थी. सो दैट इज अ प्रोटेक्टेड मॉडल, प्रोटेक्टिव मॉडल. तो लॉक की जो थ्योरी थी उसमें लोगों ने खुद कंसेंट दिया था, और कंसेंट देने के बाद में ही गवर्नमेंट बनाई गई थी, स्टेट बनाया गया था. तो ये तो एम्पावरमेंट ऑफ मासेस हुआ. ऐसे ही डेवलपमेंट एंड मॉडल जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी यही बोला था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी खुद की जो पर्सनालिटी है उसको फुल फ्लेजेड डेवलप कर पाए. तो इनका मानना था कि अगर मैन को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, तभी तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी, कि अपनी पर्सनालिटी के फुल फ्लेजर डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, और सिर्फ डेमोक्रेसी इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करती है. सिर्फ डेमोक्रेसी में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है. तो समझ में आया, क्लासिकल मॉडल विच इज द नॉर्मेटिव मॉडल, ऑल्सो नोन एज सबस्टैंटेटिव डेमोक्रेसी, सबस्टैंटेटिव मॉडल मतलब एम्पावरमेंट ऑफ मासेस. आई समझ, एनी डाउट? इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, तो ये दोनों चीजें पढ़ी इन्होंने. अब आते हैं कंटेम्प्रेरी पे. कंटेम्प्रेरी होता है एम्पेरिकल मॉडल, मतलब सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाएगा कि लोग आ रहे हैं इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, तो इसको डेमोक्रेसी बोल दिया. प्रोसीजर में क्योंकि लोगों ने वोट किया और अपना नेता चुना, तो बस अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुना, वो डेमोक्रेसी हो गई. तो हम देखते हैं सीबी मैकफर्सन ये नोटिस करते हैं कि क्लासिकल में एम्पेरिकल मेथड नहीं है, क्लासिकल में एम्पेरिकल मेथड नहीं है. ऐसे ही कंटेम्प्रेरी में सब्सटैंटिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब क्लासिकल में वो बात की जो कंटेम्प्रेरी में नहीं की, कंटेम्प्रेरी में वो बात होती है जो क्लासिकल में नहीं होती. मतलब कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है दोनों थियोरीज, क्योंकि आपने लोगों को पावर तो दी, अपॉर्चुनिटी तो दी कि वो इलेक्शंस में आकर के वोट कर सकते हैं, लेकिन लोगों को एम्पावर नहीं किया साथ में, सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान दिया, सिर्फ इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाई कि लोग इलेक्शंस में वोट कर सकते. तो इसमें आते हैं एलिटिस्ट. एलिटिस्ट स्कॉलर अभी पढ़े थे हमने थ्योरी ऑफ पावर में. एलिटिस्ट क्या बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, पावर में हमेशा एलिट क्लास ही आएगी. जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग यू नो एलिट्स होते हैं, सिर्फ वही लोग पावर में आएंगे. एलिटिस्ट का मानना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों के पास में पावर जाए. लोगों के पास में सिर्फ इतनी पावर है कि इलेक्शंस में किसको चुनना है उनके पास में बस इसकी पावर है, उससे बियॉन्ड पावर नहीं है. और इसी में फिर हमने प्लूरलिस्ट पढ़ा था, जैसे रॉबर्ट डहल. रॉबर्ट डहल ने बोला था कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कुछ एसोसिएशंस होते हैं डेमोक्रेसी में. लेकिन इस बारे में सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि ये जो प्लूरलिस्ट और एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है डेमोक्रेसी की, जैसे यहाँ पे रॉबर्ट डहल ने बाद में खुद ही बोला, डिफॉर्म्ड पॉलियार्की थी उन्होंने, डिफॉर्म्ड पॉलियार्की में बोला कि हैं तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स और ये सब, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में हमेशा कॉरपोरेट ग्रुप्स की ही चलती है, इस पर्टिकुलर स्फीयर में इन लोगों की ही चलेगी. तो यानी कहीं ना कहीं टिल्टेड है कॉर्पोरेट इकोनॉमिक एलीट के पास में, इनके फेवर में काम करती है, पावर इन्हीं के हाथ में रहती है. तो ये पूरा एनालाइज किया सीबी मैकफर्सन ने कि यहाँ क्या कमी है और यहाँ का क्या कमी है. वहां पर एम्पावर तो कर दिया लोगों को, लेकिन प्रोसीजर पे ध्यान नहीं दिया. यहाँ प्रोसीजर तो है, एम्पावर नहीं किया, तो यानी कहीं ना कहीं कमी है. तो अब
अपनी थ्योरी देंगे ये मैकफर्सन। अपनी थ्योरी में क्या बोलेंगे, अपनी थ्योरी में इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को अप्रिशिएट किया कि देखो अच्छी है क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि उसमें सब्सटैंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, यानी नॉर्मेटिव आइडियाज पे ध्यान दिया जाता है, लोगों को पावर दी जाती है, लोगों को एम्पावर किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्लासिकल मॉडल को क्रिटिसाइज किया। किस बेसिस पे क्लासिकल मॉडल को क्रिटिसाइज करेंगे ये, इस बेसिस पे कि यू नो इन्होंने अपना एम्फेसिस सिर्फ सब्सटैंटिव एस्पेक्ट पे दिया है, दैट्स व्हाई। तो इन्होंने ये बोला कि आपने इग्नोर की है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज, विच इज कि जो रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी होती है, रियल वर्ल्ड जो असली में डेमोक्रेसी आती है, वो लोगों को राइट्स दो आप, वोटिंग राइट्स, कि लोग चूज कर सके अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो चीज यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी में नहीं दी गई। क्लासिकल थ्योरी में बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बात की, लेकिन प्रोसीजर पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस ये बोला कि मासेस ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, मासेस ने पावर दे दी, लेकिन आपने प्रोसीजर की बात नहीं की वहाँ पर कि कैसे हर 5 साल बाद मतलब यू नो लोग टाइम टू टाइम अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, ये चीज मिसिंग थी। ऐसे ही फिर उन्होंने कंटेम्प्रेरी को भी क्रिटिसाइज किया कि ये जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है ये प्रोसीजर पे ज्यादा बेस्ड है, ये सब्सटैंटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करती है, ये सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान देती है। इनफैक्ट कंटेम्प्रेरी को लेकर के सीबी मैकफर्सन का कहना था कि एलिटिस्ट और जो प्लूरलिस्ट होते हैं इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनके मॉडल्स में। तो इनफैक्ट ये बोलते हैं कि देयर इज अ शॉन पीटर डेहल एक्सेस, आपस में इनका एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब एक नेक्सस टाइप का, सेम ही बातें बोल रहे हैं, सेम ही बातें बोल रहे हैं कि टिल्टेड होती है कि इन्हीं लोगों के पास में होगी जो लोग एलीट क्लास होते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैकफर्सन ने ये भी देखा कि ये गलत होगा कहना कि सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो लिबरल कंट्रीज में ही होती है, तो आप लिबरलिज्म को डेमोक्रेसी के नाम पे मोनोपोली दे रहे हो कि सिर्फ लिबरल कंट्री में ही डेमोक्रेसी होती है, वो गलत है। सीमे मैकफर्सन ने बोला ऐसी भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जहां पर लिबरलिज्म नहीं है लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है, जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो सीबी मैकफर्सन ने अपने एनालिसिस में ये कहा कि कम्युनिस्ट मॉडल्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी डेमोक्रेसी होती है, लेकिन एक कंडीशन है, मान लीजिए चाइना है, चाइना इज अ सिंगल पार्टी कंट्री, ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में, लेकिन उसी पार्टी सिस्टम में अगर अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हो, मतलब विद इन दैट पार्टी अगर सारे डिसीजंस जो MLAs और MPs हैं, मान लीजिए एक पार्टी है उसमें आपस में सोच समझ करके पूरा डिबेट करके अगर कोई लॉ बनाए तो वो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। चाइना वाला समझ में आया, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी वाला? सीबी मैकफर्सन का कहना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिबरल कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, एक कम्युनिस्ट कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो सकती है, अगर वहां पर कंडीशन ये है कि अगर उस पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करे, मतलब उस पार्टी के अंदर ही जो MPs और MLAs उस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपस में खूब सोच विचार करके कोई डिसीजन ले, तो वो भी कंट्री फिर डेमोक्रेटिक होगी। सिमिलरली अगर किसी कंट्री में, जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, मतलब मल्टीपल पार्टी है लेकिन हमेशा एक ही पार्टी पावर में आती है। इंडिया में भी ऐसी था 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस सिस्टम डोमिनेंट था, कांग्रेस पावर में थी लगातार 20 सालों तक, तो एक पार्टी डोमिनेट कर रही थी बहुत टाइम तक। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी डोमिनेट भी कर रही है लेकिन वो भी डेमोक्रेटिक है। क्यों डेमोक्रेटिक है? क्योंकि सारे जो कंट्री के लोग हैं उसी को वोट दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पार्टी पावर में रहे क्योंकि कंसेंसस दिया है लोगों ने, अपनी कंसेंट दी है उस पार्टी को। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स हमको साउथ अफ्रीका दिखता है, इंडिया दिखता है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, तो वो भी डेमोक्रेटिक हो सकता है।
ये कंट्रीज भी फिर डेमोक्रेसी की कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगी क्योंकि इनको मास सपोर्ट मिला हुआ है, दैट्स व्हाई। तो नाउ क्वेश्चन इज, आयुष्मान इज सेइंग कि सो चाइना इज अ डेमोक्रेसी, वेल अकॉर्डिंग टू सीबी मैकफर्सन, इफ इन केस ऑफ चाइना बिकॉज देर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, इफ देर इज अ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी विद इन दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देन इट इज गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक अकॉर्डिंग टू हिम। ये इनका एनालिसिस है, तो इनके अकॉर्डिंग तो होगी, समझे। और कार्ल मार्क्स भी यही बोलेंगे आयुष्मान, हालांकि कार्ल मार्क्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स ने तो पार्टी की बात ही नहीं की थी, कार्ल मार्क्स ने तो बोला ही नहीं था कि कोई पार्टी भी होगी, लेकिन चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो लेनिन ने तो आइडिया को मॉडिफाई किया था। अंडरस्टूड, सिमिलर इज विद ईरान, कहीं पे भी इट्स नॉट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी। पॉइंट इज कि सिर्फ मोनोपोली आप लिबरल को नहीं बोल सकते कि लिबरल कंट्रीज में ही डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी तो कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, जहाँ सभी लोगों ने कंसेंट दी हुई है। मान लीजिए आज हम लोगों ने कंसेंट दे दी, 100% जितने सिटीजन है इंडिया के सब ने कंसेंट दे दी कि मोदी अगले साल भी, मतलब अगला जो इलेक्शन है उसमें आ जाए, तो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम रहा तो क्या हम बोलेंगे कि इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं है? बार बार अगर मोदी ही पावर में आते हैं तो लोगों ने तो कंसेंसस दिया है ना अपना। यस, इट वाज जस्ट बाय नेम कम्युनिस्ट, अदरवाइज ट्रूली इट इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री। मॉडल भी अब तो एलपीजी रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ऑब्वियसली ऑप्शंस नहीं होंगे अगर तो तुम ऑप्शंस खड़े करिए, यू आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, ऑप्शंस अगर नहीं है तो आपको ऑप्शंस खड़े करने चाहिए, आप अपनी खुद की पार्टी खोलिए, कि बाकी सब तो चोर हैं हम अच्छे से करते हैं। फिर मैकियावेली आएंगे उसमें, फिर मैकियावेली आ जाएंगे कि मैकियावेली बोलेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो, अच्छा तो मतलब आप भलाई करना चाहते हो, तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ रैथ फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल, या तो काम चलाओ या खड़े करो अपने लिए ऑप्शंस, अगर आपको लगता है ऑप्शन नहीं है तो डू समथिंग अबाउट इट, दैट इज अबाउट एम्पावरमेंट। एनीवेज, सो ही इन्वेस्टिगेटेड द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी नॉट जस्ट इन कम्युनिस्ट कंट्रीज बट ऑल्सो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इन्होंने बोला कि ऐसी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी होती है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी होती है अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हो, और ऐसी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी होगी जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम हो। एट द सेम टाइम जो यूएसए में डेमोक्रेसी है उसको भी इन्होंने जानने की कोशिश की कि ये जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती हैं तो क्या ये रियालिटी में डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं। तो इन्होंने पाया कि ये जो अपने आप को इतना डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इतना गुणगान कर रहे हैं ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यूएसए में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, सब लोगों के पास में इक्वल पावर नहीं है। तो ऐसी सोसाइटीज, वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज इगैलिटेरियन नहीं है, यहाँ पर भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। सो व्हाट वी सी इज देयर आर इनइक्वालिटीज इन दीज countries. But in China, people have no other option but to elect representative from Communist Party. Yes, and in case of China, that is why we see that there is a pressure cooker syndrome. Pressure cooker syndrome है, कभी भी China फट जाएगा। क्यों? क्योंकि Hong Kong में जो हो रहा है आपको दिख रहा है, क्योंकि लोग अब बाकी सभी कंट्रीज में जा रहे हैं, दे आर सेइंग, वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि बाहर लोगों को किस तरीके से राइट्स दिए जाते हैं, तो प्रेशर कुकर सिंड्रोम वाली बात आ गई कि एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी चाइना में डेमोक्रेसी, अगर इन स्कॉलर्स की मानो तो। वेस्टर्न स्कॉलर्स तो बोलेंगे ही डेमोक्रेसी लाने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी वेस्टर्न कंट्रीज को फायदा करती है, इनका तो काम ही है ये चीज़ बोलनी। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी 5 ही साल हुए हैं और ये लोग बोल रहे हैं, ये तो बहुत टाइम से इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाइना की ग्रोथ नहीं हुई, प्रेशर कुकर सिंड्रोम भी है लेकिन साथ में है, ये इनका कहना है। बट इज इट पॉसिबल टू हैव इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज की पैरामीटर ऑफ डेमोक्रेसी विच रिजल्ट्स डेमोक्रेसी टू वर्चुअल कॉन्सेप्ट? इट इज नॉट पॉसिबल, परफेक्शन तो कहीं पॉसिबल नहीं है ना। प्लेटो को लोग क्यों गाली देते हैं, परफेक्शन के पीछे भाग देते हैं। प्लेटो को तो एनिमी बोल दिया परफेक्शन के पीछे कि टोटलिटेरियन है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट इट डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट बी वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव आइडियाज। एंड हु नोज कि डेमोक्रेसी सही भी है कि नहीं। आज क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो हमको सही लगता है। आप अपनी आइडेंटिटी अपने उन्हीं चीजों के लेंस से देख रहे हो। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म खत्म करके हम हट चुके हैं। हो सकता है कि डेमोक्रेसी सही हो सकता है डेमोक्रेसी ना सही हो। हर एक एंगल से देखिए कि सही क्यों होगी और सही नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी वो भी अभी डिबेट आएगी। मैकफर्सन खत्म करने के बाद में हम डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की डिबेट देखेंगे। उस डिबेट में ली क्वान यू जो कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं वो ये बोलेंगे कि डेमोक्रेसी को फॉलो मत करो क्योंकि डेमोक्रेसी के चलते आपकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगी। अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो लेट्स कवर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट। तो बाकी दो तीन बातें समझ में आई। अब आखिरी बात है मैकफर्सन की कि ये जानना चाहते थे कि यूएसए जैसी जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज होती हैं क्या इनमें डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं तो इनकी क्या रियलिटी है। तो इनको पता चला कि यूएसए में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके पास में पावर हो। ये सोसाइटीज में भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये भी परफेक्ट के क्लोज नहीं है, दे आर ऑल्सो फार फ्रॉम बींग परफेक्ट। इनको भी इगैलिटेरियन होने की ज़रूरत है क्योंकि यूएसए में अगर आप देखोगे, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज में पावर देखोगे तो पावर दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सट्रैक्टिव पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्टिव पावर होती है कोअर्सिव पावर, मतलब फोर्स करते हो आप सामने वाले को कुछ करने के लिए, ये होती है कोअर्सिव पावर। एक होती है डेवलपमेंटल पावर। डेवलपमेंटल पावर यानी इनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करोगे, इनका डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी, आगे प्रोग्रेस होगी, दैट इज डेवलपमेंटल पावर। तो दो टाइप के पावर्स को मैकफर्सन ने देखा और मैकफर्सन ने पाया कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में, जैसे यूएसए या कोई भी कंट्री ले, इन सभी कंट्रीज में, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो लोग बुर्जुआजी क्लास होते हैं, जो लोग पैसे वाले होते हैं, उनके पास में एक्सट्रैक्टिव पावर 99% होती है। और जो ये है बुर्जुआजी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, ये है वर्किंग क्लास। तो कैपिटलिस्ट क्लास के पास में दूसरों को फोर्स कर सकते हैं ये, जैसे कि कैपिटलिस्ट ने अपनी नई इंडस्ट्री खोली, उसको 10 वर्कर्स चाहिए, मार्केट में 10,000 प्रेजेंट हैं। तो कैपिटलिस्ट अब वर्कर्स बोल रहे हैं कि हम लोग 1,000 रुपये महीना पे काम करेंगे, और कैपिटलिस्ट के पास में एक्सट्रैक्टिव पावर होगी क्योंकि इन लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनको जॉब चाहिए। तो जो लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार होंगे उनको जॉब मिल जाएगी। तो एक्सट्रैक्ट किसने किया, एक्सप्लॉयट किसने किया? कैपिटलिस्ट क्लास ने। तो इनके पास में पावर है, वर्किंग क्लास के पास में बार्गेनिंग पावर है ही नहीं। सो कोई भी कंट्री देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, कैपिटलिस्ट के पास में एक्सट्रैक्टिव पावर होती है। वो चाहे कभी भी किसी को भी हायर करेंगे, फायर भी कर देंगे। ऐसे ही क्योंकि इनके पास में एक्सट्रैक्टिव पावर है तो डेवलपमेंट भी इन्हीं की सबसे ज्यादा होती है। और वर्किंग क्लास की ना तो इनके पास में दूसरों को फोर्स करने की पावर है, ना ही इनके पास में डेवलपमेंटल पावर है। ना तो इनकी डेवलपमेंट होती है। तो ऐसा होता है इन सोसाइटीज में, सेम जैसा कार्ल मार्क्स ने बोला, क्योंकि ये लिबरल हैं, ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि इक्वालिटी भी हो, बिकॉज ही इज अ लिबरल इगैलिटेरियन। मतलब ये सोशल लिबरल हैं, ये लिबर्टी को भी प्रेफरेंस देंगे, ये इक्वालिटी को भी प्रेफरेंस देंगे, दोनों इनके लिए इक्वल मायने रखते हैं।
तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि कैपिटलिस्ट क्लास के पास में मैक्सिमम डेवलपमेंटल और एक्सट्रैक्टिव पावर होती है, और वर्कर्स के पास में ना तो एक्सट्रैक्टिव पावर है ना ही डेवलपमेंटल पावर है। तो यानी लिबरल सोसाइटीज को भी ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट होना होगा, इनको भी रिफॉर्म्स लाने होंगे अपनी कंट्री में जहां पर किसी के पास में भी एक्सट्रैक्टिव पावर ना रहे। तो आइडिया क्या होना चाहिए? दैट नन शुड हैव द एक्सट्रैक्टिव पावर। फोर्स नहीं, फोर्स करने वाली पावर तो ना तो कैपिटलिस्ट के पास में हो ना ही वर्किंग क्लास के पास में हो, यहाँ जीरो जीरो होनी चाहिए यहाँ पर। और जो बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंटल पावर की, तो डेवलपमेंटल पावर 100% इनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए और इनकी भी होनी चाहिए। ये मॉडल दिया सीबी मैकफर्सन ने। तो सीबी मैकफर्सन का कहना है कि सभी के पास में इक्वल डेवलपमेंटल पावर होनी चाहिए, यानी सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। और इसको बोला उन्होंने कि आप जो वो करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दो, तो ही कॉल्ड इट एज क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम। सो अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, डज चाइना क्वालिफाई एज अ डेमोक्रेसी कीपिंग इन व्यू इट्स कंटेम्प्ररी सिचुएशन? व्हाट इज द कंटेम्प्ररी सिचुएशन? इफ देर इज अ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी देन यस, इफ नॉट देन नो। You have to prove that there is an intra-party democracy. If there is no intra-party democracy, then no. ठीक है? तो इन्होंने बोला कि सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो करने के लिए जो वो करना चाहते हैं, यानी क्रिएटिव फ्रीडम। आप जो भी क्रिएटिव करना चाहते हो आपके पास में पूरा फ्रीडम होना चाहिए, अपने मुताबिक, अपने मन मुताबिक कोई भी काम। तो मैकफर्सन के जो आइडियाज हैं अमर्त्या सेन के आइडियाज से बहुत क्लोज आते हैं, क्योंकि दोनों यही मानते हैं कि डेमोक्रेसी और जो डेवलपमेंट है ये आपस में इंटरलिंक्ड होती है। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी रहेगी, जिन कंट्री में लोगों के पास में डेवलपमेंटल पावर होगी, सभी के पास में, उस कंट्री में डेवलपमेंट होगी ही होगी। तो सीबी मैकफर्सन डेवलपमेंट को फ्रीडम की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। So he's saying freedom is being and doing. Freedom है आप खुद हो, मतलब आप अपने मुताबिक वो करना चाहो जो आपको करना, like आपको करना है आपको करने दिया जाए वो। That is creative freedom. That is where democracy रहेगी। तो democracy का सीधा सीधा connection होता है development के साथ में। यानी आपको आपकी जो आपकी personality है full fledged allow की जाए कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सको। एक इंडिविजुअल जब अपनी खुद की पर्सनालिटी फुल फ्लेजेड वे में डेवलप करता है, आपको वो स्पेस मिलती है, तो आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, और जो आपको लिटरली करना चाहते हो उस चीज़ में फिर आपको सक्सेस भी मिलेगी। सक्सेस मिलेगी तो डेवलपमेंट होगी आपकी, आपकी डेवलपमेंट, आपके परिवार की डेवलपमेंट, परिवार की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट, ये ऐसे इंटरलिंक्ड। तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो हमारी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी यहीं पे खत्म होती है। अब आगे आती है डिबेट। डिबेट ये है कि क्या डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के साथ में लिंक्ड होती है कि नहीं होती है? अब अमर्त्य सेन तो बोलते हैं कि होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अमर्त्य सेन और सीबी मैकफर्सन का व्यू काफी क्लोज है। हाँ, एक ही स्कॉलर की थ्योरी है इसमें, दैट इज सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन की हमारे लिए बस इनकी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो थोड़े बहुत मैंने स्कॉलर्स आपको क्लासिकल में बताए तो इन्होंने एनालाइज करके और फिर सीबी मैकफर्सन ने ये चीज बोली। बताया तो क्लासिकल के स्कॉलर्स, क्लासिकल के स्कॉलर्स में एक प्रोटेक्टिव मॉडल है जो कि जॉन लॉक और बेंथम ने दिया था, डेवलपमेंटल मॉडल है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। कंटेम्प्ररी में एलिटिस्ट हैं जिसमें रॉबर्ट मिशेल, मॉस्का, परेतो, शम्पिटर, एंथनी डाउन्स, रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल, बहुत सारे नाम लिख सकते हो आप। ऐसे ही फिर आते हैं प्लूरलिस्ट जिसमें रॉबर्ट डहल आएंगे।
इनको पूरा एनालाइज करके इन थ्योरीज को फिर सीबी मैकफर्सन ने अपनी फुल फ्लेज्ड थ्योरी दी डेमोक्रेसी की. एनी डाउट आयुष्मान, आपको समझ में आ रहा है? पेपर वन कैसा चल रहा है आपका? यू आर रिवाइजिंग थिंग्स. पेपर वन यू मस्ट बी डूइंग फ्रॉम बैच नंबर 6. अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपका, क्लैरिटी है उन सभी टॉपिक्स में. यू शुड बी एक्टिव इन द आंसर राइटिंग्स आल्सो. आंसर राइटिंग सेशन बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. ओके, लेट्स गो फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. ली क्वान यू थीसिस एंड अमर्त्या सेन. तो पहले ली क्वान यू का थीसिस समझते हैं कि ली क्वान यू क्या बोलते हैं. ली क्वान यू कौन थे? ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर. सिंगापुर जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, मतलब प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे इनके, ठीक है, यहीं से सिंगापुर की शुरुआत हुई. तो ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर, ली क्वान यू. इनका मानना था कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न वैल्यू है, एशिया की सोसाइटी में ये कंपैटिबल नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश हैं जिनको ऑब्सेशन हो गया है डेमोक्रेसी से, कि अगर हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कंट्री में भी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे डेवलपमेंट होगी. आया समझ? तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, कंपैटिबल नहीं है इसका आइडिया एशिया के साथ में. तो ली क्वान यू क्या करेंगे कि इंडिया के मॉडल को चाइना के मॉडल के साथ में कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों को चलो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है. तो इन्होंने कहा कि अगर आप चाइना को देखो तो चाइना का मॉडल आपको, यानी अगर अपनी कंट्री में डेवलपमेंट लानी है तो आपको इंडिया का मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए. क्यों? क्योंकि चाइना के मॉडल से, चाइना में देखो कितनी जल्दी डेवलपमेंट हुई, चाइना आज कितनी आगे है इकोनॉमी वाइज, इंडिया कितनी पीछे है. चाइना में जो डिसीजंस लिए गए डेवलपमेंट को लेकर के, बहुत स्विफ्ट डिसीजन लिए जाते हैं. इंडिया में आज तक पॉलिसी पैरालिसिस है. इंडिया में कोई पॉलिसी लाने की बात की जाती है तो आ ही नहीं पाती, काम ही नहीं हो पाता. इंडिया में अगर आपको एक बिजनेस यूनिट खोलना है, आपको एक बिजनेस खोलना है, इंडस्ट्री खोलनी है, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस ने काम किया नहीं डेमोक्रेसी के चलते. क्योंकि पॉलिटिशियंस को सिर्फ इतना है कि हम पावर में आ जाएं, हमारे हाथ से पावर ना जाए, दैट्स द थिंग. सो इन्होंने ये प्रपोज किया कि किसी भी कंट्री को अगर कोई मॉडल फॉलो करना है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, तो उनको चाइनीज मॉडल फॉलो करना चाहिए, इंडियन मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के मॉडल को लेकर के काफ़ी डाउटफुल है. ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी भी अपनी कंट्री से गरीबी हटा पाएगा और कभी डेवलपमेंट ला पाएगा अपनी कंट्री में. क्यों? डेमोक्रेसी की वजह से. क्योंकि डेमोक्रेसी के चलते इनडिसिप्लिन आता है. कैसे? हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, लोकसभा में जो आप मीटिंग्स देखते होंगे, जो मॉनसून सेशन हुआ अभी रिसेंट, विंटर सेशन स्टार्ट होगा, जितने भी सेशंस होते हैं आपस में पार्टीज लड़ती रहती हैं, डेवलपमेंट के एजेंडा पे काम कम किया जाता है. इनफैक्ट जूते उतार करके, चप्पल उतार करके एक दूसरे को मारते रहते हैं, जो न्यूज़पेपर में आता रहता है. कोई मतलब डेवलपमेंट के जो एजेंडा है, जो मेन कोर एजेंडाज होते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता. तो डेमोक्रेसी के बारे में ली क्वान यू बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के चलते इनडिसिप्लिन आता है, इसलिए भी डेवलपमेंट नहीं होगी. ऐसे ही लीडर्स जो होते हैं, क्योंकि उनको पावर में रहना होता है, पावर में आना होता है, तो वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं. पॉपुलिस्ट पॉलिसी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे लिए वोट दीजिए, क्योंकि देखो हम आपके लिए ये कर रहे हैं. जैसे रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स पे लोन्स थे उनको माफ किया, बहुत ज्यादा लोन्स थे, वो पैसा पूरा बैंक को पकड़ा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने. अब वही पैसा, अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, समस्या तो सॉल्व नहीं हुई,
क्योंकि आपने तो सिर्फ लोन उतारा है ना, वो चीज तो नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं किया उनके लिए कि कल को अगर फिर से सूखा पड़ता है या कल को पानी की कमी आती है, इरिगेशन करनी है उनको, तो वो फैसिलिटीज खड़ी कर सकते थे आप। एम्पावरमेंट कोई नहीं किया, सिर्फ जो चीज लोन में आपको दी हुई थी वो माफ कर दी। तो ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जा सकता था, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई जा सकती थी सिंचाई के लिए। वो बनाते अगर इरिगेशन फैसिलिटीज तो आगे कितना फायदा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती, जो लोगों के ऊपर लोन्स हैं वो माफ हो जाते, धीरे धीरे करके वो अपने लोन्स उतार सकते। तो ये दिक्कत है, इंडिया में पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं, स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता, जड़ से नई चीजें मिटाई जाती, डेमोक्रेसी की वजह से, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी होता है। तो ये रीजन दे करके ली क्वान यू बोलते हैं कि इंडिया इसीलिए अपना जो पोटेंशियल है, इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है राइज करने का, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जो है, पॉलिटिशियंस है, इनका माइंडसेट ही सही नहीं है, डेवलपमेंट को लेकर के राइट माइंडसेट नहीं है इनका। ये लोग अपने बारे में सोचते हैं, करप्शन करते हैं, पैसा खाते हैं, एंड ये लोग पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंट्री को अगर अपनी कंट्री में डेवलपमेंट लाना है तो चाइना का मॉडल फॉलो किया जाए, अगर उनको अपनी कंट्री में फास्टर ग्रोथ चाहिए, तेजी से उनको बढ़ोतरी चाहिए, तो अपना लेकर के आए चाइना का मॉडल फॉलो करके। ली क्वान यू समझ में आया? प्रंजल एंड उमंग, आप लोग एक्टिव नहीं है आजकल, क्या चक्कर है? लाइव है आप लोग? ली क्वान यू थीसिस। तो ली क्वान यू का ये कहना था डेमोक्रेसी को लेकर के, डेवलपमेंट पे इनके ये विचार थे। बट माइंडसेट हैज नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी, इट्स इनरेंट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इट इज ऑल्सो अबाउट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। चाइना में डेवलपमेंट क्यों हुआ? अभी अमर्त्या सेन इसका जवाब देंगे। देखो अमर्त्या सेन ये बोलेंगे कि ये बात सही है कि चाइना में डेवलपमेंट, ये बात भी सही है कि चाइना में पॉलिटिकल विल थी, लेकिन इससे डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होता। यही तो मैं बता रही हूँ, माइंडसेट हैज नथिंग टू डू विद इट। चाइना में डेवलपमेंट हुई क्योंकि लोग, ये बात सही है कि जो लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी विल थी, वो चाहते थे कि चाइना डेवलप करे। इंडिया में देर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो अमर्त्या सेन इस पूरे जो थीसिस है ली क्वान यू का, इसको काउंटर करेंगे, इसके अगेंस्ट में बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि मेन प्रॉब्लम डेमोक्रेसी नहीं है, ये अपनी बुक जो लिखे थे, बुक का नाम क्या था, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अपनी बुक में ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा से इंडिया के ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेस्ट होकर के डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू से थी। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि एशिया में कंपैटिबल नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। एशिया में एक तरीके की वैल्यूज नहीं है, एशिया में अलग अलग तरीके की वैल्यू है, क्योंकि एशिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, एशिया में अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, एशिया में होमोजेनिटी नहीं है, एशिया का कल्चर होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, मतलब अलग अलग कल्चर्स अवेलेबल है। चाइना का अपना कल्चर है, एट द सेम टाइम जापान का अपना कल्चर है, साउथ कोरिया का अपना है, इसका साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर का अपना है, मलेशिया का, इंडोनेशिया का अपना है, म्यांमार का अपना है, बुद्ध स्टेट है, श्रीलंका का अपना है, सभी कंट्रीज का अपना अपना कल्चर है। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि कंपैटिबल नहीं। सो इफ विल इज करेक्ट देन बींग एनार्की और एनीथिंग एल्स इज ऑल्सो फाइन, एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इज विल। एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इज डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट विल।
ये बोलेंगे कि एक तो विल भी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेसी इज कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी सही रहती है डेवलपमेंट के लिए। तो अमर्त्या सेन बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंस है कि जहां पर डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ये ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जैसे बोट्सवाना, बोट्सवाना के एग्जाम्पल देते हैं कि वहां तो डेमोक्रेसी है, वहां तो सक्सेसफुल है, वहां तो डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे ही एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां नहीं है डेमोक्रेसी और वो फिर भी फेल हो रही है। समझे? तो इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे, टाइम क्योंकि हमारा हो चुका है। तो कल ये डिबेट दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे और फिर मॉडल्स कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। कल तो वैसे भी छुट्टी है, परसों कवर करेंगे। बाय बाय।